फेरे न रहेंगे ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। देश की मिट्टी की महक अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहे। कर्ज चुकाना है धरती को खून पिलाना है मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें मिट्टी ने दी है जान हमें इस बात का है अभिमान हमें इस बात का है अभिमान इस बात का है अभिमान हमें। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें? ऐसा क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया। अगर पुलिस हमारे घर के फोन टैप कर रही है तो उन्हें पता लग जाएगा कि उसने कहां से फोन किया। नरेश सैगल नाम का एक मुजरिम मिर्जापुर में छुपा हुआ है, उसे गिरफ्तार करना है हमें। जब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पे इस काल कोठरी में क्यों रखा गया है? अब इसका जवाब तो बड़े मालिक ही देंगे। रुक जाओ! नरेश भाई, रुक जाओ ना, गोली मार दूंगा। देखिए दूसरी गोली मत चलाइएगा वरना हम गोली चला देंगे, वो भी कानून के तहत। मेरे साथ चलेगी? हाँ, ऐसी जगह ले जाकर छुपाऊंगी कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। चलो मेरे साथ, चलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चल कैसी जल्दी, चल कैसी तेज तेज चल। अरे आप लोग यहाँ मारे मारे हम अभी को ढूंढ रहे हैं। इसलिए अब चलिए हमारे साथ। तुम्हारे साथ ताकि पुलिस आके मुझे दोबारा गिरफ्तार कर ले। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, हट जाओ। अरे हम भाई जी को क्या जवाब देंगे नरेश बाबू? तुम्हारे भाई जी को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी परवाह होती तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। छोटा बाबू, हम इनके साथ तकरार मत कीजिए, जल्दी कीजिए, पुलिस आ जाएगी। रुक जाइए नरेश बाबू। ये लगी अपने पास अपना हिफाजत के लिए, जाइए अब। यस सिद्धांत, प्लीज सेंड मैन। नरेश सैगल को गिरफ्तार करके लिया है? नहीं सर। क्यों? वो मिर्जापुर में नहीं था? वो वहीं पे था सर। मैंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था लेकिन वो भाग निकला। वो भाग निकला और आपने उसे जाने दिया? Why didn't you shoot him? सर, मैंने उस पे गोली चलाई थी मगर रघुवीर सिंह आड़े आ गया और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उसने साइकिल साहब के कहने पर किया है। किस बिना पर यकीन है आपको? आपके पास कोई सबूत है इसका? अगर है तो अपनी रिपोर्ट में लिखा कर दीजिए वरना खामा खा बात करने का कोई मतलब नहीं है सिद्धांत। यस सर, आई एम सॉरी सर। यू कैन लीव नाउ, आप जा सकते हैं।
आजकल हम लोग बहुत परेशान हैं। नरेश की वजह से कुछ पता चला वो कहाँ है? कुछ पता नहीं चला। इतने दिनों में उसका फोन तक नहीं आया। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ऐश्वर्या, तुम्हें उसकी फिक्र हो सकती है, मुझे नहीं हो सकती। अगर तुम्हें वाकई उसकी फिक्र है तो तुम मेरी एक बात मानोगे? कहो। तुम अखबार में नरेश के बारे में छापना बंद कर, उसके बारे में कुछ मत लिखो। मैं नहीं लिखूंगा तो कोई और लिख देगा, किस किस को रोकोगी तुम? रोक तो मैं तुम्हें भी नहीं सकती जयदेव, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम प्लीज अखबार में कुछ मत लिखा करो उसके बारे में। रोज अनाप शनाप खबरें पढ़कर हम सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो ऐश्वर्या, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन किसी के कहने पर मैं खबरें छापना बंद नहीं कर सकता। मेरे कहने पर भी नहीं। मैं तुमसे कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं मांग रही जयदेव, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम नरेश के बारे में मत लिखो, मम्मी पापा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। देखो ऐश्वर्या, बुरा मत मानना, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। देखो नरेश तुम्हारा भाई है और कानून की नजरों में मुजरिम है, अब वो गुनहगार है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसके बारे में ना लिखूं। कल अगर ये साबित हो जाता है कि वो बेगुनाह है, अब मुजरिम ही नहीं है, और मुझसे कोई कहता है कि मैं उसके बारे में ना लिखूं, तो क्या ये सही होगा? ऐश्वर्या, जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं और मैं जानती हूं जयदेव कि तुम एक बहुत उसूल पसंद इंसान हो, शायद यही फर्क है तुम में और मुझ में। क्या मतलब? मैं अपनी दोस्ती, अपने प्यार की खातिर अपने 10 उसूल कुर्बान कर सकती हूं, लेकिन तुम अपने एक उसूल की खातिर किसी से भी मुंह मोड़ सकते हो, है ना? चले, देर हो गई। क्या खबर लाया? खबर तो अच्छी नहीं है भाई जी। क्यों, क्या हुआ? वो नरेश बाबू ने फिर से भागने की कोशिश। भाई जी, नरेश बाबू ने फिर से भागने की कोशिश की और इंस्पेक्टर सिद्धांत ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि नरेश इस वक्त पुलिस की हिरासत में है? नहीं भाई जी, पुलिस हिरासत में नहीं है वो। हमने वो थानेदार रघुवीर सिंह को बोलकर चेक पोस्ट पर रुकवा लिया ना उनको। अरे टुकड़ों में क्या कह रहा हूँ, पूरी बात बताओ क्या है। बात यह है भाई जी कि इंस्पेक्टर सिद्धांत और थानेदार रघुवीर सिंह जब आपस में उलझे हुए थे ना, तब नरेश बाबू जीप से कूदकर फरार हो गए, वो कजरी के साथ मां। ये कजरी कौन है? कजरी तो बड़े भाई, वो वहां के गेस्ट हाउस के चौकीदार की बहन है, उसी दिन से वो भी लापता है। भाई जी, हमारा अंदाजा है कि वो भी उसके साथ में ही है। नरेश बाबू इस वक्त कहां है? ढूंढने की बहुत कोशिश की भाई जी, लेकिन अब कुछ पता नहीं चल भी किया। हमने तुम्हें नरेश के साथ उसकी हिफाजत के लिए भेजा था और तुम्हें इस वक्त ये नहीं मालूम कि वो है कहाँ? भाई जी, हम आने के पहले थानेदार रघुवीर सिंह को मिलकर आए हैं ना, वो तलाश करेगा उनको। अरे वो क्या खाक तलाश करेगा उनकी, एकदम निकम्मा और बेईमान इंसान है, हेडक्वार्टर से 2 डंडे पड़ेंगे सब उगल देगा। हमें ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो? तो फिर कांप क्यों रहे हो? आदमी या तो ठंड से कांपता है या डर से। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे? मुझे किस बात का डर? डर तो तुझे लगना चाहिए। मुझे? किससे? मुझसे? मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? इतनी सुनसान जगह और ये तेज बारिश, मैं और तुम बिल्कुल अकेले।
तुझे डर नहीं लगता? तुम कोई शेर या चीता थोड़ी हो जो मुझे खा जाओगे। और अगर मुझे तुमसे डर लगता ही तो मैं आती ही नहीं। तो फिर क्यों आई यहाँ पे? अपनी जान को जोखिम में डाल के क्यों आई मेरे साथ? बोल कजरी, क्यों भाग के आई मेरे साथ? बारिश और तेज हो रही है और जब तक ये रुके नहीं हमें यही रुकना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे भीगने से बचा रहा हूं। मुझे बचाते बचाते खुद भीग गए तो? मैं तो सर से पांव तक भीग ही चुका हूं। तो हमें जबरदस्ती आपके बेटे नरेश के लिए गिरफ्तार किया। क्या बकवास है? वो कत्ल भी करते हैं तो चढ़ते नरेश का आपसे प्यार करता है तो हम भी उसे चाहते हैं। कब तक आप उसे छुपाएंगे? वो कत्ल भी करते हैं तो शर्मा के मर्डर में हमें नरेश के लिए गिरफ्तारी का अपने साथ ले जाना। आपके बेटे नरेश के लिए गिरफ्तारी का क्या बकवास है? नरेश का हाथ है? हवा अभी भरते हैं। अगर आप उसे प्यार करते हैं तो हम भी उसे चाहते हैं तो कब तक आप उसे छुपाएंगे? शर्मा बड़े बाबू, आंखों में आंखें डालकर माधव, तुम सिर्फ सच बोल सकते हो, झूठ नहीं। एक बार कह दो कि तुम आज भी हमारे वफादार हो, माधव हम तुम्हें माफ कर देंगे। बड़े बाबू, माधव अगर तुम कसूरवार हो तो यही वक्त है माफी मांगने का। अगर यह वक्त निकल गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मौत दबे पांव किस दरवाजे से आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए बड़े बाबू। कितनी कीमत मिली थी तुझे हमारे साथ विश्वासघात करने की? मुझे माफ कर दीजिए बड़े बाबू, मुझसे भूल हो गए बड़े बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ किया माधव, अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए जरा भी क्लेश नहीं। ये क्या किया आपने? इसका खून कर दिया? आपकी मौत का हमें दिल से अफसोस रहेगा। क्या करें शर्मा जी, इस खून के अकेले गवाह हैं आप। भाई हमें माफ कर देना। जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया है जब यह सोचना पड़ रहा है कि गलती कहां हुई। सब कुछ नियमित रूप से चल रहा था, पर अचानक इतना गहरा सन्नाटा क्यों छा गया जिसे आसानी से सुना जा सकता है? क्या एक एक कदम, एक एक हरकत मुकद्दर में लिखी थी, या सिर्फ ये हादसे का नतीजा है? अपनी इज्जत, अपना ओहदा, अपना भविष्य सब कुछ दांव पर लग गया। किसकी खातिर? उनकी खातिर जो सिवाय खुद के किसी और के बारे में नहीं सोचते। नौकरी छिन गई तो वही लोग जो तलवे चाटते हैं मुड़कर देखेंगे तक नहीं। पुलिस कमिश्नर त्यागी गुमनामी और बदनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। और डॉली, डॉली का क्या होगा? रुपये और ताकत के लोभ में कई गलत काम भी किए, लेकिन
आज एक ऐसे गुनाह का इल्जाम लगाया जा रहा है जो मैंने नहीं किया। कर्मों का फल और मुकद्दर का लिखा बुजदिलों की जुबान है। दोस्ती, विश्वास और दुनियादारी सब कहने की बातें हैं। लगता तो यही है कि इंसान सबके साथ मिलकर जीता है, लेकिन जीता है दरअसल अकेला। सिर्फ अपने लिए जीता है वो। शतरंज की बिसात बिछी हुई है, मोहरे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो पहली चाल चलेगा जीत उसी की होगी। नरेश सहगल का अब तक कुछ पता नहीं चला। मिर्जापुर, सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों में खबर भिजवा दो। नरेश सहगल का गिरफ्तार होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना पुलिस डिपार्टमेंट पर फिर से यह तोहमत लग जाएगी कि हम पॉलिटिकल लीडर्स का साथ देते हैं। सर, नरेश सहगल को पकड़ना या गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। क्यों? एक आदिवासी लड़की कजरी उसके साथ है। हाथ की लकीरों की तरह वो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। ऐसे इलाके जहां पर शायद पुलिस भी ना पहुंच पाए। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं सिद्धांत। हम पुलिस वाले अगर चाहें तो मुजरिम को पाताल से भी ढूंढ निकाल सकते हैं। हां, यह बात और है कि किसी ना किसी मजबूरी के कारण हम कोशिश नहीं करते, लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं है। वी हैव टू फाइंड हिम। मे आई सर? यस प्लीज। हेलो, जस्ट अ सेक। सर, त्यागी साहब आपसे मिलने आए। ठीक है, उनसे कहो कि वो आ सकते हैं। हाँ, उनसे कहो कि वो अंदर आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे दिया जी साहब से चंद जरूरी बातें करनी है। आप लोग मेहरबान करके बाहर जाएं। कहिए मिस्टर त्यागी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जिस मुजरिम की आपको तलाश है उसको अगर कोई गिरफ्तार कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है मिस्टर त्यागी। यू हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट हिम। दुनिया की नजरों में जो मुजरिम है, क्या वही एक दूसरे मुजरिम को गिरफ्तार करने जाएगा? दुनिया की छोड़िए, क्या मैं आपकी नजरों में भी मुजरिम हूं? जब तक आपकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती मैं आपके बारे में कोई राय नहीं दे सकता। नरेश को गिरफ्तार करने की परमिशन तो दे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन? ऑफिशियली मुमकिन नहीं होगा, अनऑफिशियली तो मुमकिन है। ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगी। सॉरी मिस्टर त्यागी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। जो लोग दिन रात खतरों से खेलते हैं वो रिस्क नहीं ले सकते। एनीवे, फर्ज कीजिए मिस कनक शर्मा अपनी शिकायत वापस ले लेती हैं और जो इंक्वायरी मेरे खिलाफ चल रही है वो भी खत्म हो जाती है, क्या तब भी ये केस आप मेरे हवाले नहीं करेंगे? मिस कनक शर्मा ये केस वापस क्यों लेंगे? यही सवाल मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वो ये केस वापस क्यों नहीं लेगी? धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का।